किसके लिए कोई काम कठिन नहीं है? विश्वास करने वाले। कौन करता है विश्वास? मैं, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ। तो विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर चाहता है प्रत्येक विश्वासी के लिए कोई भी काम कठिन बिल्कुल नहीं है। 2022 में परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, ताली बजा दे। आपके हालात सेम नहीं रहेंगे, आपकी परिस्थितियां सेम नहीं। केवल आपको क्या करना है? विश्वास करना। परमेश्वर को कुछ और नहीं चाहिए, परमेश्वर को चाहिए कि लोग विश्वास करें। और ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर कोई काम नहीं कर सकता है। बाइबल में आप कहीं भी नहीं पाओगे जहां परमेश्वर ने कहा ये मेरे लिए कठिन है। हालेलुया। लोगों ने सोचा, परमेश्वर के लोगों ने सोचा शायद ये काम परमेश्वर नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर समय समय पर आकर उनको चेतावनी भी दिया, बताया भी मुझ यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर के तीन महान और उत्तम गुण जो है वो सर्व ज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सर्व शक्तिमान है। सर्वज्ञानी है मतलब आपके मन की भी बात को वो अच्छी तरीके से जानता है। आप जो मन में सोच रहे हो सामने वाला ना जाने, पड़ोसी ना जाने, आपके घर वाले ना जाने, पर एक है जो सब कुछ जानता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो उसका नाम सर्वज्ञानी है। हमने संसार में बहुत सारे ज्ञानियों को देखा, बहुत सारे बुद्धिमान लोगों को देखा, वो भी फेल हो जाते हैं। इवन दो लाई डिटेक्टर मशीन भी फेल हो जाती है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कभी नहीं फेल होता है, कभी फेल नहीं। परमेश्वर कभी भी असफल नहीं होता है। आपको एक सीक्रेट बताना चाह रहा हूं और वो ये है, परमेश्वर अपने आप नहीं काम करता, परमेश्वर आपके द्वारा हमारे द्वारा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए, परमेश्वर को एक स्त्री चाहिए, परमेश्वर को एक पुरुष चाहिए जो खड़ा हो जाए और उसके द्वारा वो काम करना प्रारंभ कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, तभी तो आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, हम त्रिएक परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। कैसे? तीन परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक है लेकिन तीन उसके। हालेलुया। तीन प्रकार का हम उनको मैनिफेस्टेशन देखते हैं, प्रकटीकरण देखते हैं और व्यक्तित्व देखते हैं, लेकिन परमेश्वर एक है। जैसे आप अंडा देखते हैं, अंडे में तीन भाग होते हैं, एक होता है छिलका, एक होता है येलो भाग और एक होता है व्हाइट। अब येलो कहे कि नहीं तुम लोग बेकार हो, सबसे ज्यादा तो प्रोटीन मेरे में ही है, मैं अंडा हूं और बाकी तुम लोग बेकार हो, तुम लोग का नाम ही नहीं होना चाहिए अंडा। व्हाइट वाला भाग कह रहा भाई मैं भी अंडा हूं, तू बेकार है, कई लोग तो तुझे निकाल के फेंक देते हैं। हालेलुया। फिर आप जो उसका कवर है वो कह रहा है अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोग किसी काम के नहीं हो। हालेलुया। तो अगर देखा जाए तो
हालेलुया, तीनों को ही हम अंडा करते हैं। पर दिखते तीन है, तीनों के गुण भी अलग दिखाई देते हैं, कार्य भी अलग दिखाई देते हैं, पर तीनों एक ही है। एक दूसरे को अलग नहीं किया जाता है। परमेश्वर में हम तीन लोगों को देखते हैं, पिता को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं, पवित्र आत्मा को देखते हैं। तीनों के अलग अलग तरीके से कार्य करते भी देख सकते हैं, पर तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही है, वो परमेश्वर। हालेलुया। जैसे त्रिकोण होता है, ट्रायंगल होता है, अगर उसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, हालेलुया, तो वो त्रिकोण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हुआ ये कि परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को वो अधिकार दिया पृथ्वी पर, वो नाम दिया पृथ्वी पर, क्योंकि वो पुत्र पूरे मानव जाति के लिए बलिदान होने के लिए इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को शून्य कर दिया। क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया? ओहो, आज ना हमें ऊपर पद से नीचे आने में बड़ी तकलीफ होती है। मतलब अगर मैनेजर आपको बनाया गया और 10 दिन के लिए चपरासी बना दिया जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है कि नहीं? परंतु खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य रूप धर के हमको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। अपने आप को शून्य कर दिया। मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूं, मनुष्य बन गया और पृथ्वी पर आ गया। और लोगों ने, बाइबल बहुत अच्छी बात बताती है, आइए हम खोलते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 5 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिलिपियों 2 का 5 से मैं पढ़ रहा हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। किसका? किसका? ए, नौकर बन गया। यीशु मसीह एक दिन चेलों से कहने लगे कि मैं इसलिए नहीं आया, I did not come to be served, but I came to serve you. मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया। किस लिए आया हूं मैं? मैं सेवा करने के लिए आया हूं। Oh my God, परमेश्वर सेवा करवाने नहीं आया। बड़े अधिकारी आ जाए, बड़े मंत्री आ जाए, बड़े लोग आ जाए, सेवा करवाने के लिए आते हैं। पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सेवा करवाने नहीं, पर मैं सेवा करने आया। हालेलुया। वो कहता है, मैं पापियों को मारने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मारने के लिए आता ना, जितने बैठे हुए हैं उसमें से सबसे पहले मुझे ही मार देना। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैं अपने पापों को जानता हूँ, आप अपने पापों को जानते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं, मुझे सबसे पहले मारता, क्योंकि मैं भी पापियों में से अपने जानकारी में बड़ा पापी। हालेलुया। पर जब तक हम यीशु को नहीं जानते थे, तब तक हम सबसे धर्मी समझते थे अपने आप को। हम कहते थे हम बड़ा धर्मी है,
हालेलुया। सुबह अपना बताने की जरूरत नहीं है, पर हम सोचते थे कि हम बड़ा धर्मी है, हम ये करते हम वो करते हम ऐसा करते हम वैसा करते, हम ये नहीं खाते हम वो नहीं खाते, हम बड़ा धर्मी समझते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देख रहे हैं और जान रहे हैं कि वो परमेश्वर के होने के बावजूद भी अपने आप को परमेश्वर करके सेवा करवाने नहीं आ गया, पर कहता मैं सेवा करने आया हूं। क्या करने आया हूं? क्या करने आया हूं? क्या करने आया हूं? लोग मारने नहीं आया हूं, पर मैं लोगों को बचाने आया हूं। अगर कोई दुष्ट आदमी होता है और हम थोड़ा सा धर्मी बन जाते हैं, हम कहते हैं मारो ये दुष्ट आदमी है, ये नाश कर दो इसको पृथ्वी से। अगर बड़ा गौर से आप अपने आप को देखो ना, तो आप भी बहुत दुष्ट थे। गौर से जो लोग कहते हैं दूसरे को कि ये दुष्ट है, वो भी अपने आप को गौर से देखे तो मान जाएगा कि वो भी दुष्ट है। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं, पर पापियों को जो पापी थे उनको धर्मी बनाने आया। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? यीशु मसीह मारने नहीं आया, पर यीशु मसीह पापियों को जो पापी थे उनको पापी से पापों से छुड़ाकर उनको धर्मी बनाने के लिए आ गया। और वही पापी जो हम पहले पाप करते थे आज हम धर्मी कहलाए जाते हैं। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि आज मैं अपने आप को धर्मी कह सकता हूँ। हालेलुया। जो बलिदान मुझे पे करना था, जो मौत मुझे चखना था, जो 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 क्या कहते हैं दाम मुझे चुकाना था, उस दाम को प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। उस दाम को प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। हालेलुया। कैसे धर्मी बन गए हम? हम तो पापी हैं, दुनिया तो पापी है, कैसे धर्मी बन गए? धर्मी हम अपने कारण नहीं बने, याद रखिएगा, यही अंतर है, जानने की जरूरत है। शैतान पहले गुस्से मार रहा था, गुस्से मार रहा था, गुस्से मार रहा था हमें, और हम डर के मारे पीछे भाग रहे थे, पीछे भाग रहे थे। वो कह रहा लो बीमारियां, वो कह रहा लो दुष्ट आत्माएं, वो कह रहा लो परेशानियां। हम कहते रहे हम तो क्या करें, यीशु मसीह जिस दिन आया ना, उस दिन हमने ये सीख लिया कि जो शैतान के जबड़े पर कैसा मारा जाता। हालेलुया। क्योंकि शैतान कहता था तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू गलत कर रहा है तुझे, तो हम भी कहते थे यार कहीं ना कहीं हम तो गलत कर ही रहे हैं, और शैतान हमको अपने चंगुल में फंसा कर रखता था। पर जिस समय यीशु मसीह आया, रोमियो की पत्री उसका 3:24 पद पढ़ेंगे, 23 और 24 दोनों पढ़ेंगे। और भाई बाइबल भी बताती है कि सबने पाप किया है। पाप मैंने बताया दो प्रकार के हैं, एक है पर्सनल, एक है जेनेटिक। एक व्यक्तिगत पाप है और एक है वंशानुगत पाप। व्यक्तिगत पाप क्या है? जो हम खुद शरीर में रहकर गलतियां करते, झूठ करते, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मतवालापन, लीला कीड़ा, व्यभिचार, नशा, गंदी चीजें सारे काम करते हैं, वो क्या है? पाप है। उसको बोलते हैं व्यक्तिगत पाप, जो हमने खुद पर्सनली किया है। दूसरा है जेनेटिकल या जेनेटिक सिन, जो हमारे पूर्वजों ने काम किया है, उनके पाप का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। शराबी का बेटा शराबी बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, अरे बाप का ही तो नाम रोशन कर रहा है। कलेक्टर का बेटा अगर कलेक्टर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसके उसके रग में वो चीजें भर गई है, मेरा बाप कलेक्टर है। हालेलुया। हालेलुया। तो पाप दो प्रकार के हैं, और एक से तो आप बच सकते, दूसरे से आप नहीं बच सकते।
एक से तो आपने पाप नहीं किया। भैया जी हमने तो बचपन से लेकर आज तक चींटी तक नहीं मारा। भैया जी हमने आप आज तक किसी को झूठ नहीं बोला, हमने कभी गलत काम नहीं किए, हमने कहीं गंदे काम नहीं किए, हमने व्यभिचार नहीं किया, हमने गलत आंखों से नहीं देखा, हमने कोई गलत काम नहीं किया। चलो आप बच गए, पर जो आपके पूर्वजों ने गलत काम किया है उसका भी पाप का दंड आपके ऊपर आना है। उससे आप नहीं बच सकते। लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पवित्र होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो गर्भ में आ जाता है वही दिन से पापी उठक जाता है, वो पवित्र नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या बता रहे हैं पास्टर जी, बच्चा कौन पाप कर रहा है, उसने कौन सी गलती कर दी, उसने तो दुनिया भी नहीं देखी। दाऊद कहता है मैं अपने माता के गर्भ में पाप के कारण ही पला, क्योंकि जो पाप उसके पूर्वजों उसके माता पिता के हैं वही पाप उसके, क्योंकि उनका ही अंश तो आएगा। आप कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अगर पाप बाप माँ कोई भी पाप में डूब है या दादा ने किया है, उनके पाप का ट्रांसफर उनके ऊपर होगा। और जो बीज से पैदा होते हैं तो वो बीज उन्हीं का है। हालेलुया। आम का बीज कभी वो गुआबा अमरूद नहीं पैदा कर सकता है, आम ही पैदा करेगा। हालेलुया। तो जो हमारे बाप दादा हम उन्हीं के बीज हैं, उन्हीं के संतान हैं, तो उनका पाप हमारे ऊपर ट्रांसफर होता है। जिस दिन माता के गर्भ में आ गया उस दिन से वो पापी है, चाहे वो पर्सनली पाप ना किया हो। ध्यान से सुन लीजिए, यही है जो दुनिया आज जो है अंधकार में पड़ी हुई है, सोचती है मेरे जैसा कोई धर्मी, मैंने तो ये पहन लिया, मैंने तो वो पहन लिया, मैंने ये लगा लिया, मैंने वो लगा लिया, कह रहे मेरे जैसा कोई धर्मी नहीं है। मैं आपको बताऊं, धर्मी तुम अपने नजर में हो पर खुदा के नजर में नहीं। खुदा के नजर में धर्मी नहीं है, क्यों? क्योंकि सबने पाप किया है और सब के सब इस दुनिया में परमेश्वर से रहित हैं, अलग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया से अलग है, रहित है। मेरे पापा पुजारी थे, मैं बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार होने लगा। 8वीं क्लास से मैं बीमार होने लगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई तुझे भी गुरु दीक्षा दिला देते हैं और तू भी इसी लाइन में चल जा। उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दिलाया। कोई एक पंडित जी थे, उन्होंने फिर मुझे गुरु दीक्षा दिया। फिर इसके बाद वो पता नहीं जनेऊ वगैरह पहनते हैं, फिर वो चंदन लगाकर दिन रात अपना लगे रहो उसी में। बहुत कोशिश किया, बहुत मैंने मेहनत किया, पर मुझे जो प्रॉब्लम थी ना उससे मैं आजाद नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि मैं बहुत नॉर्मली सब कुछ कर रहा था, नहीं, बहुत दिल से कर रहा था, पर पाप के बंधन से आजाद तो केवल परमेश्वर ही करा सकता है। हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह के। पाप के बंधन से केवल कौन आजाद करा सकता है? परमेश्वर आजाद करा सकता है, पर आजाद नहीं होते थे। 2002 में एक दिन यीशु मसीह के लोग मुझे क्या हो गए, मिल गए। मैं बहुत बीमार रहता, बहुत परेशान रहता था। एक दिन यीशु मसीह के लोग मुझे मिल गए और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मैंने अपनी बीमारी से भी आजादी पाया, और जब मैंने यीशु को जाना तो मैंने अपने पाप से भी आजादी पाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह के, बोल यीशु मसीह के। क्या कहता है, दुनिया में सबने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से क्या है, अलग है, रहित है। लेकिन आगे क्या लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं? कैसे कैसे? कुछ देना पड़ा क्या? कुछ देना पड़ा? सेंत में का मतलब में। आप सेत मेत में धर्मी बन गए, सेत मेत में।
हालेलुया। बहुत बहुत पहले एक बार मैं जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत समय पहले मैंने एक गीत लिखा था ऐसे ही कि सेत मेत में मैं परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो गया। हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह की जय। एक दो लाइन गाएंगे फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। सीत मीत में उसका अनुग्रह हमको मिल गया। सीत मीत में उसका अनुग्रह हमको मिल गया। आशीषों का सोता हमको मिल गया। धर्मी कैसे होऊंगा?
केवल यीशु मसीह के लहू के वसीले से। हालेलुया, हालेलुया। जो भाई हैं उनको इधर बिठा लीजिए, आके बिठा लीजिए, पीछे बैठ जाइए, आगे आइए, थोड़ा थोड़ा आगे, आप ही लोग थोड़ा आगे आ जाइए, सब लोग, सब लोग मसरा बालास, ठीक है। हाँ सिस्टर आप इधर आ जाइए। हालेलुया। तो धर्मी कैसे बन जाते हैं? सेत में तमे, आमेन। आप बोलो मैं सेत में तमे धर्मी बनाया गया हूँ। मैंने उस धर्मी बनाने वाले पर विश्वास किया है और उसने मुझे धर्मी बनाया। आप जिसने धर्मी बनाया है केवल विश्वास करने के कारण क्यों धर्मी बन जाते हैं, उसके पीछे का मैं राज आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि उसने धर्मी बनाने के लिए अपनी खुद की, अपने खुद के जिंदगी को कुर्बान किया। आपको धर्मी बनाने के लिए वो सूली पर, धर्मी बनाने के लिए वो सलीब पर अपने जान को कुर्बान कर दिया, इसलिए आप धर्मी बनाए गए हो। हालेलुया। तो सेत में तुम्हें क्या बन गए? तो कोई धर्मी है इस दुनिया में? इस दुनिया में जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत धर्मी हूं, वो भी धर्मी नहीं है अगर परमेश्वर उसको धर्मी ना बनाए। हालेलुया। दाऊद ठीक कहता है कि धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो व्यक्ति जिसके गुनाह परमेश्वर ने क्षमा किए। क्योंकि न्याय तो वही करने वाला है, मारने वाला वही है, तो बचाने वाला भी धन्य है वो स्त्री पुरुष जिसके गुनाह को परमेश्वर खुदा ने खुद माफ कर दिया है। और आपके गुनाहों को परमेश्वर ने माफ किया है, आपके गलतियों को, आपके गुनाहों को परमेश्वर ने माफ कर दिया है। बोले सु मसीह के, बोले सु मसीह के, बोले सु मसीह के। तो जन्म जात कोई भी, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, मोटा बच्चा, पतला बच्चा, दुबला बच्चा, गोरा बच्चा, काला बच्चा, कैसा भी क्यों ना हो, सब पेट में आने समय ही पापी ठहर जाते हैं। हर पापी के लिए उद्धारकर्ता की जरूरत है, हर पापी को उद्धारकर्ता की जरूरत है, और यीशु मसीह वो उद्धारकर्ता है जिसने अपनी जान खुद दे दी। हालेलुया। जिसने अपनी जान दे दी। हालेलुया। जिसने अपनी जान दे दी। हालेलुया। क्या कहता है? कहता है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसके समानता में हो गया? किसके समानता में हो गया? ओ, शैतान मन में कहता है, नहीं नहीं देख ले तूने गलती किया था, तू तो बीमार रहेगा। देख ले तूने अपराध किया था, तू बीमार रहेगा। आप शैतान को बता दें, हाँ मैंने पाप किया था, हाँ मैंने पापी में था, लेकिन अब मैं पापी नहीं हूँ, अब गुनहगार नहीं हूँ, क्योंकि उसका दाम, उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान देकर चुका दिया। हालेलुया। शैतान सुन ले, डरने वाला नहीं हो, क्योंकि मैं अपने आप में धर्मी नहीं बना, मेरे बनाने वाले ने, धर्मी बनाने वाले ने मुझे धर्मी बना दिया। हालेलुया। आमेन। डराते रहता है शैतान, देख तूने फलाने गलती किया, तुमने दिमाग ऐसे कर दिया, अब तू नहीं बच सकता है, तूने बड़े अपराध किए हैं। हालेलुया। जब आप बीमार हो जाओ, जब आप परेशान हो जाओ, जब आप मरने पर आ जाओ, शैतान आपके कानों में खुशबुसाता है, तेरी गलती के चलते तू मरेगा। शैतान को आप बता दो, सुन ले मैं भी खुशबुसा रहा हूँ, मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दिया है, वो मर गया है और मुझे मरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तू भी सुन ले, पर अगर वो खुशबुसाए ना तो आप जोर से बोल दे तब। हालेलुया। अगर वो खुशबुसाता है तो आप खुशबुसाए नहीं, आप जोर से बोले अल निकाले यहां से। क्योंकि ठीठ आदमी को और दुष्ट आदमी को ना भगाना पड़ता है,
एक होता है होली एंगर, क्या होता है, क्या होता है होली एंगर का मतलब जानते हैं, पवित्र क्रोध। कई बार हम जब जब कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित होता है हमका ना लो, तो लोग सोचते पता नहीं इसको डांट रहे हैं, उसको नहीं डांट रहे हैं, उसके अंदर कोई और है, हम उसको डांट रहे हैं। हालेलुया, बोले सो मसीह के, क्योंकि वो झीठ है। अगर हम कहेंगे निकलो 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 ना, चलो ना, जाओ ना, प्लीज करके, वो जाने वाला नहीं है। डंडा उठाओ, मैं तो मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपके घर में घुस गया है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी, डंडा उठाओ फिर भागेगा। ये शरीर दुष्ट तेरा नहीं है, ये शरीर बुराइयों का नहीं है दोस्त, ये शरीर बीमारियों का नहीं है दोस्त, ये शरीर दुष्टात्माओं का नहीं है, ये शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, जीवित परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, वो इसके अंदर रहता है। निकलो, हालेलुया। निकाल तो रही थी भैया, पर निकल नहीं रहा है, क्योंकि आप उसको ना प्यार से निकाल रहे हो, आपको पवित्र क्रोध दिखाना पड़ेगा उसको। बस कई बार हम कहते निकलो भाई निकलो, नहीं निकलते। जब आप अपने क्रोध में गुस्से में आ जाते हो, आंख दिखा देते हो, तो कहते भागो भाई, टाइम आ गया है, ये तो अभी केवल मुंह से बोल रहा है, पता चला कुछ लगा भी देगा। आपको मारना है तो यीशु मसीह का नाम, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुष्ट आत्मा आ गए तो नहीं लड़ा दर, ऐसा नहीं। एक बार मैं एक बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था, और वहां पर कुछ छोटे बच्चे थे, बगल में, हमारे बगल में रहते थे, तो एक छोटे बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, मतलब 8-9 साल का रहा होगा वो, तो लोग बुलाकर ले गए, कुछ टीचर थे उनको ले गए, बोले कि उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया, चलो। तो टीचर होते हैं, हालेलुया, टीचर अलग होते हैं, ज्ञान कोई भी दे सकता है, अभिषेक नहीं दे सकता है, सब याद रखना इस बात को। ज्ञान आपको बहुत सारे लोग दे सकते हैं, पर अभिषिक्त व्यक्ति ही अभिषेक से भरा वो निकाल सकता है, हालेलुया। अब वो टीचर थे, अच्छे टीचर थे, निकलो भागो यीशु के नाम से, ये वो, हम तो बच्चे थे, हम तो सीख रहे थे, वो भागे ना, वो पूछे कहां से आया है, बोले यहां से आया, बोले क्या कर रहा था, ये कर रहा था, क्यों नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा, निकाल दूंगा, नहीं निकलूंगा। अरे भाई, 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो एक टीचर ने उठाया झाड़ू और मारना चालू कर दिया। मैंने कहा मत मारो भाई, क्यों मार रहे, हालेलुया। तब तो हमें ABCD नहीं पता था, अभी हमें पता है कि यीशु मसीह का नाम, अगर आप अभिषेक से भरे हुए यीशु मसीह का नाम से मारेंगे, दुष्ट आत्मा भागेगा। नाम काफी है उसका, पर जो बोलता है ना उसके ऊपर अभिषेक भी होना बहुत जरूरी है, नहीं निकलेगा उधर तो इधर से आपको भी प्रचार करते जाएगा, कहेगा चल मैं निकल तो गया इसके शरीर से, पर मैं तेरे घर पे इंतजार करूंगा। हालेलुया, होता है ना सर, जगह अगर आप अभिषेक से नहीं भरे हैं, दुष्ट आत्मा तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यीशु के नाम से आपने निकाल दिया, पर घर में कौन निकालेगा, आपके अंदर आ गया तो कौन निकालेगा, यीशु मसीह अपने आप नहीं निकालता, इस चीज को जानिए, यीशु मसीह इस्तेमाल करता है किसी का। हालेलुया, यीशु मसीह फिजिकली आज के डेट में अपने लोगों का, अपने जनों का, अपने अभिषिक्त लोगों का इस्तेमाल करके हर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कहता हूं, दूसरे के बंधन तोड़ना आसान हो जाता है, लेकिन जब आपके ऊपर बंधन हो तो आप नहीं तोड़ सकते। इसका एग्जांपल मैं इस प्रकार से देता हूं कि आपको जंजीर से बांध दिया जाए, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको टाइट बांध दिया जाए, आप नहीं तोड़ पाओगे। पर बाहर वाला व्यक्ति उसको काट भी सकता है, उसको तोड़ भी सकता है, उसको खोल भी सकता है, पर आप नहीं कर सकते। हालेलुया, तब किसकी जरूरत पड़ती है, तब एक बाहर वाले ताकतवर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है,
या बाहर वाले जिसके पास चाबी है उसकी जरूरत पड़ती है, वो आसानी से ताला लगा चाबी लगाता है और खुल जाता है। आप कहते अरे इतना आसानी से खुल गया, मैं तो बहुत ट्राई कर रहा था क्यों नहीं खुल रहा था, क्योंकि आप उससे ग्रसित थे। ध्यान से सुनिए, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग कह रहे हम भैया घर में बैठ के प्रेयर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल तो नहीं रहा है, क्योंकि आपको ही अगर ग्रसित कर दिया है तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप तो उसके कब्जे में हो। आप समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को, आप तो उसके कब्जे में आ गए हो, आप कैसे निकालोगे। मैं दूसरी बात भी आपको बताऊंगा कि कब्जे में आप नहीं आ सकते, ये भी मैं बता रहा हूं। पर अगर कोई दुष्ट आत्मा के कब्जे में आ गया तो वो प्रार्थना भी करता है तो नहीं निकलता। फिर दुष्ट आत्मा कहता है मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं यीशु मसीह को भी जानती हूँ, तू कौन है? अरे तू तो रात दिन पाप करते रहता है, गंदगी में रहता है, तो आप क्या करोगे? आप तो बंधन में आ गए, क्योंकि आपका पाप आपको दिन दोष दे रहा है, आपकी गलतियां आपको दोष दे रही हैं, और शैतान आपको मजा ले रहा है, बेटा तू निकल नहीं सकता, और आप सच में नहीं निकल पाते हो। लेकिन एक अभिषिक्त जन, एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो बंधन टूट जाते हैं और निकल जाते हैं। हालेलुया। दूसरी बात भी मैं आपको समझा दूं, अगर आप प्रार्थना में, दुआ में, वचन में, आज्ञाकारिता में रहते हो तो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर कभी भी ग्रसित आपको नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तभी करेगा जब आप अनजान हो। मेरे ज्ञान के कमी के कारण, होसे 4:6 पढ़ेंगे, होसे 4:6 जल्दी से पढ़ेंगे। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया। दो बात बस इतना ही, एक तो ज्ञान का ना होना, दूसरा ज्ञान का होना पर तुच्छ जानना। दो चीजें आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, एक ज्ञान का ना होना, अज्ञानी होना भी डेंजरस है, दूसरा ज्ञान को तुच्छ जानना भी बहुत खतरनाक है। आपके पास वान ने आपको सिखाया आप दुष्ट आत्मा निकाल सकते हो, आप परमेश्वर के नाम से उसे हरा सकते हो, तो आपका ज्ञान जो आपके अंदर है जब आप कहते हो निकलो तो तुरंत भाग जाता है। उसको पता है किसको अंदर ये ज्ञान है और इस ज्ञान पर ये विश्वास करता है। हालेलुया। नेहा के घर के पड़ोसी में, पड़ोस में किसी को दुष्ट आत्मा आ गई या परेशानी हो गया, तो वो लोग विश्वासी थे, है ना अमा, विश्वासी थे तो वो परेशान थे, तो ये लोग सुने आवाज आवाज परेशानियां तो पहुंच गए, बोले कि प्रार्थना कर देते हैं। वो बोले हमारे पास्टर ने कहा है जब तक तुमको अभिषेक ना मिले तब तक तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो। तो बोले हमारे पास, इन लोग बच्चे लोग कहने लगे हमारे पास वाले ने तो ऐसा नहीं सिखाया, उन्होंने कहा दुष्ट आत्मा को डांटो निकालो भाग जाएगी, तो उन्होंने कहा प्रार्थना कर दो। इन्होंने प्रार्थना किया और बीमार चंगा हो गया। बोले अच्छा ये कैसे, हमारे पास्टर ने तो मना किया है। तो इन्होंने कहा हमारे पास्टर ने मना नहीं किया है, बताया है कि विश्वासी भी जो विश्वास करते हैं अगर दुष्ट आत्मा को कहे तो वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। तो ये आपका ज्ञान था ना, आपको पता था ना, इसलिए आप निकाल लिए। दूसरे व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं निकाल सकता हूँ, तो वो कहेगा निकलो निकलो भागो, अंदर से इधर कह रहा पता नहीं होने वाला नहीं है कुछ। पर आपका ज्ञान जो आपको दिया गया है आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, इसको तो मैं निकाल के छोड़ूंगा, पासवान ने बोला है निकाल देना बस। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शैतान कह रहा है ये बड़ा ढीठ आदमी है, मुझे यहाँ ठहरने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा विश्वास है कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जो कंफ्यूजन में रहता है वो कहता निकलो, वो कहता नहीं निकलूंगा, वो कहता निकलो, वो कहता नहीं निकलूंगा, वो कहता निकलो, नहीं निकलेगा। अब पास्टर को बुलाना पड़ेगा, नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, अंदर से कंफ्यूजन है कि निकाल सकूंगा कि नहीं निकाल सकूंगा। तो ज्ञान के ना होने से भी आप नहीं निकाल पाते। दूसरी बात, आप ज्ञान को तुच्छ जानने से नहीं निकाल सकते।
कैसे? आपके आपके कलिसिया में दुष्टात्मा निकलती है, बीमारी भागती है, पर आपके पास उस ज्ञान के प्रति घृणा है। अरे नहीं, सब बकवास है, कोई बीमारी नहीं निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दुष्टात्मा नहीं है, सब नाटक करते हैं। जिस दिन आप निकालने बैठोगे दुष्टात्मा कभी नहीं निकलेगी, गारंटी दे रहा हूं, कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के ज्ञान को क्या जाना है, क्या जाना है, क्या जाना है, दोनों दोनों काम में आपका नहीं निकल सकता है। या तो आप ज्ञानी है तो भी नहीं निकलेगा, और आप ज्ञानी है पर उस ज्ञान को तुच्छ जानते हैं तो नहीं निकलेगा। बड़े बड़े जो है नामधारी कलिसियाएं हैं, बड़े बड़े नामधारी चर्चेस हैं, बड़े बड़े क्रूस लगे हैं, बड़े बड़े घंटे बजते हैं, एक भी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन विश्वासी लोग झाट देते हैं और दुष्ट आत्मा चिल्ला कर भाग देते हैं। दुष्ट आत्मा को भागना पड़ता है, क्योंकि जो ज्ञान है ना उसको हम तुच्छ नहीं मानते, उस पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि दुष्टात्माओं को निकालोगे तो मैं निकालूंगा और निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि उसने कहा है। हालेलुया! मेरे ज्ञान के कमी के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? कम है ज्ञान, ज्ञान लेना नहीं चाहते। नहीं छोड़ो, आज ना, कई लोगों से मेरी बात होती थी, कहते एक ही दिन तो छुट्टी मिलती, आज ही कपड़े साफ करने, मैं नहीं कर रहा जाने का चर्च। मम्मी कह रही है बेटा उठ जल्दी चल, मम्मी जो मरजान करती हो, पूरे 6 दिन काम करता हो। जब परमेश्वर अगर अपनी चाबी टाइट कर देना तो 6 दिन चर्च भागना पड़ जाएगा, 6 दिन पूरा, 6 दिन भागना पड़ेगा। मैं एक दिन की बात नहीं बोल रहा हूँ, संडे से लेकर मंडे तक 7 दिन भागोगे, क्योंकि जब वो टाइट कर देता है ना तो फिर वो काम धंधा कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि आप बिस्तर पे रहते या तो दुष्टात्मा से ग्रसित रहते या एक्सीडेंट से आप रहते हैं, आपको कहाँ जाओगे भैया, आप तो वही भागोगे। तब आपको कहना पड़ेगा पास्टर जी प्लीज करके आ जाओ, हम बड़ी परेशानी में, हम बड़ी समस्या में। बस भाई संडे को ना मौका नहीं मिलता था तुमको, इसलिए समस्या में आ गए। तुमने कहा 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन रेस्ट करेंगे, परमेश्वर ने कहा 6 दिन तो अपना काम करता था, मेरा काम कब कर रहा था तो? अब 1 दिन मैं भी काम करना बंद कर दे रहा हूँ, जा 6 दिन तू भागेगा मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कई विश्वासी लोग परेशानी में निरंतर पड़े रहते हैं, उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं, उठते, समझते ही नहीं है, है ना? राजा बाबू पिक्चर आई तो उसमें वो कहता है, पता नहीं क्या सकती हो बोल, तमत्ते नहीं है, है ना, तमत्ते नहीं है विश्वासी लोग। उस दिन तो 9 बजे भाग जाएगा और चर्च में आएगा, जिस दिन घर में हाहाकार मच जाती और जिस दिन सब कुछ रहता है, घर्राटे मार कर 10 बजे तक सोता रहता है और कहता है अब छोड़ो, टाइम तो हो ही गया है, अगली बार जाएंगे, टाइट चाबी हो जाती है तो अगली बार नहीं जाएंगे, 5 बजे उठकर नहाएंगे और 9 बजे कलिसिया में पहुंच जाएंगे। ये है विश्वासियों की हालत। अगर तुम निरंतर विश्वास में चलते तो हालत ये नहीं। हालेलुया। अगर निरंतर आत्मा से भरकर आराधना करते तो ये हालत नहीं होती। पर मनुष्य की फितरत बड़ी अजीब सी है, जब परेशान होता है तो खुदा को ढूंढता है, जब ठीक होता है तो दुनिया को ढूंढता है, दुनिया की चीजों को ढूंढता है। आप ना परेशान हो तो भी खुदा को ढूंढते रहो, खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा है, जो ज्ञान आपके पास है वही आपको काम करेगा। आपको ज्ञान है कि नहीं? नहीं, दुष्ट आत्मा आ सकता है आपके ऊपर तो आ सकता है, क्योंकि आपने वो ज्ञान डेवलप किया है अपने अंदर। और मैं बताता हूं कि किसी भी विश्वासी के अंदर, जिन्होंने विश्वास किया, सुनिए सुनिए सुनिए, जिन्होंने विश्वास किया,
जिन्होंने मन फिराया, सही में मन फिराया अपने पापों से, जिन्होंने बपतिस्मा ली, जिन्होंने प्रार्थना किया, जिसने संगति की, जिसने प्रभु भोज लिया, जो 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 अपना निरंतर दान दशमांश भेंट देता है, गारंटी देता हूं दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। 100% तो दोबारा किसके अंदर घुस रहा है? 3 घंटे प्रभु प्रभु और 6 दिन और 21 घंटे दुनिया में घुसे, 6 दिन 21 घंटे दुनिया में घुसे हैं, 3 घंटे चर्च में प्रभु प्रभु चिल्ला रहे हैं, बताइए किसका पलड़ा भारी होगा, 6 दिन 21 घंटे वाला या 3 घंटे वाला? ऐसे लोग परेशान होते हैं। आइए खुदा को दिल से माने, चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहे, अगर कोई गलती पाप अपराध हो जाता है माफी मांगिए और दिल से मांगिए और उसको छोड़ दीजिए, आप देखोगे दुष्ट आत्मा आपको कभी आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि खुदा की हाँ, खुदा का नजर आपके ऊपर हमेशा बना है। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, दुष्ट आत्मा बड़े अलग अलग प्रकार से परेशान करता है, आप ये नहीं सोचना। एक रोबिन भाई है, वो कहने लगा कि जब रमन से बात किया कि भाई आप क्या गाना गाते हो, तो अमन कहने लगा हम लोग यीशु मसीह की आराधना करते हैं। बोले यीशु मसीह की क्यों? बोले मेरी बहन को दुष्टात्मा था, बीमारी थी, वो ठीक हो गई। रोबिन सोचा अच्छा दुष्टात्मा वाले लोग जाते होंगे, अरे वो तो ओझा भी ठीक कर देते हैं। अमन ने बोला नहीं, बीमारी भी ठीक होती है, आ जाना। बोले पथरी बहुत बनती है अंदर में, और डॉक्टर ने एक बार ऑपरेशन कर दिया, उसने बोला था नहीं बनेगी, लेकिन फिर बनने लगी। डॉक्टर के पास गया, बोला जब जब बनेगी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अमन ने कहा कि चलो हमारे पास एक डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह है, वो कुछ तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, वो मेरठ से बंदा यहाँ पर आया और एक ही बार प्रार्थना हुई, पथरी गायब हो गई, 4 साल हो गया, कोई दर्द नहीं उठा। हालेलुया, मुझे कहने लगा उस दिन फोन करके, पास्टर जी मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचता था कि बीमारी भी यीशु मसीह ठीक कर सकता है। हाँ, बीमारी क्या, कोई भी बीमारी, असंभव बीमारी प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह के। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तो इन्हीं के लिए आया, जो दबे हैं, कुचले हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, पाप में, मैं उनके लिए आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप विश्वास करते हो ना, तो खड़े रहना दुष्ट आत्मा के सामने, वो भागेगा। शिक्षा पर विश्वास करते हो, आपको टीचिंग दी जाती है कि परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है, परंतु प्रेम सामर्थ संयम का आत्मा दिया है। डर भी लगे ना तो खड़े हो जाना, इधर धक 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 कर रहा है लेकिन ऐसे खड़े हो जाना, बस आजा मैं देख लूंगा, बस इधर ऐसे से कर रहा है धक 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 धक, ए आजा मैं देख लूंगा, बस कहेगा भाई जाना नहीं है यार, मूड में आ गया। आपको बताया मूड में नहीं हो लेकिन अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हो। हालेलुया, आपको पता है कि आप अंदर से मूड में नहीं हो, पर आप उस अधिकार के साथ खड़े हो गए, आजा खबरदार। फिर बंदा समझ जाता है यार गलत है, निकलो इधर से, कुछ ना गड़बड़ होने वाला है, और आपको पता है कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, पर आप उस अधिकार के साथ खड़े हो गए। यीशु ने कहा है ना मैं खड़ा हूँ, चाहे मेरे अंदर डर है चाहे भय है, मैं खड़ा हो गया हूँ, बस छोड़ने वाला नहीं होता। हालेलुया, बीमारी के सामने खड़े हो जाओ, दुष्टात्माओं के सामने खड़े हो जाओ, समस्याओं के सामने खड़े हो जाओ, परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाओ, कर्जे के सामने खड़े हो जाओ, कमी घटी के सामने खड़े हो जाओ। तेरी मजाल नहीं है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं तू मुझे दबा सके, तुझे निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऐ गरीबी तुझे छोड़नी पड़ेगी, ऐ कर्जा तुझे छोड़ना पड़ेगा, ऐ दुष्टात्मा तू मेरे परिवार को नहीं बांध सकता, तुझे निकलना ही पड़ेगा, मैं खड़ा हो गया हूँ बस। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कीड़े सरीखे याकूब, चलो अपना अपना नाम ले लो, परमेश्वर कहता है हे कीड़े सरीखे अपना नाम ले लो, कह रहा है तू मत डर, तो मत डर, कह रहा है मैंने तुझे दावने वाली थ्रेसिंग मशीन बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया, और तू गेहूं है
ये क्या बोलते हैं, गेहूं वो भी नहीं दाएगा, तो सीधे सीधे पहाड़ पहाड़ियों को दाकर बराबर कर देगा। बड़ी से बड़ी समस्याओं को, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को, बड़ी से बड़े कर्जे से आप उसको दाते हुए निकल जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे आगे बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप कीड़े सरीखे हो सकते हो, लेकिन जिसके नाम से चल रहे हो वो तो धरती और पृथ्वी और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जीत अपने कारण नहीं आप हासिल कर पा रहे हो, जीत यहोवा सेनाओं के यहोवा के नाम। एक बड़ी घटना होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद बेचारा 17 साल का लड़का कितना बड़ा होता है, क्या हुआ जानते हैं 17 साल के लड़के के ऊपर? एक दानव 10-10.5 फुट का दानव आकर खड़ा हुआ। 2-3 क्विंटल तो होगा ही कम से कम। हालेलुया। क्योंकि 50 से ऊपर तो उसका भाला था केजी। आप सोच सकते हो 2-3 क्विंटल का दानव खड़ा हो गया, लंबा 10-10.5 फुट खड़े हो गया। आप सोच लो भैया, आजकल तो 10 फुट घर भी नहीं बनाते हैं। 10.5 फुट खड़ा हो गया, एकदम ललकारने लगा, कौन है इजरायलियों में से जो मुझसे लड़े? अगर लड़ के जीत जाएगा तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे, अगर हार जाएगा तो तुम हमारे गुलाम हो जाओगे। सारे लोग कहते थे भागो 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 भागो, गोलियत आता था सब भाग जाते थे। दाऊद कह रहा है तेरी मजाल क्या, 17 साल का लड़का, एक ये कीड़ा सरीका मजाल इसकी क्या, खतना रहित जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। तो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। दाऊद कह रहा मैं लड़ूंगा, गोलियत कहता है इसको भेज रहे हो तुम मेरे सामने, कुत्ता समझा है क्या? गोलियत क्रोध में आ गया, कुत्ता समझा है क्या बच्चे को भेज रहे हो? तेरा मांस अभी टुकड़े टुकड़े करके खिलाऊंगा गीत पक्षियों को। दाऊद कहता है सुन गोलियत, तू भाला लेकर आता है, तू सांग लेकर आता है, तू डाल लेकर आता है, मैं आता हूं ना तो सेनाओं की यहोवा के नाम से। ना तो भाला से मारूंगा, ना तो डाल से, ना तलवार से। सुन ले, आज मैं परमेश्वर के नाम से तुझे मारने वाला हूं। हालेलुया। पत्थर उठाया, गोफन लिया, थे धना, गोलियत के सीधे माथे पर अंदर घुस गया, हड्डी टूट के अंदर घुस गई। गोलियत जानते हो पीछे नहीं गिरा, ऐसे नहीं गिरा, क्योंकि इधर मारेंगे तो पीछे गिरना चाहिए ना। गोलियत मुंह के बगल गिरा, क्योंकि दाऊद ने तो पत्थर से मारा, परमेश्वर ने जब पीछे हाथ लगाया ना, फिर भड़ाम से मुंह की तरफ गिरा। समझ रहे हो ना? Yes. दाऊद बेचारा खड़ा था केवल, परमेश्वर भी पीछे खड़ा था, तू आगे से मारेगा मैं पीछे से मारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी आपने देखा है कि इधर से मारो कोई आगे गिरे, भाई इधर से मार गया तो पीछे जाएगा ना? पर बाइबल में लिखा है कि मुंह के बल गिर गया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने मारा। आपकी ताकत नहीं होगी 2022 में, सुन लो, आप निर्बल हो, कमजोर हो, शायद अच्छे से प्रभु में ज्यादा मजबूती से ना चल पाते हो। कहता है कीड़े सरीखे याकूब, सुन ले, तू मेरे नाम से खड़ा होता है ना, थ्रेसिंग मशीन बना दिया है तुझे, थ्रेसिंग मशीन बना दिया है। बड़ी बड़ी विपत्तियों को चीरते जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ पहाड़ियों को तू नष्ट कर देगा। कैंसर क्या है तेरी मजाल, लकवा क्या है तेरी मजाल, दुष्टात्मा क्या है तेरी मजाल, गरीबी क्या है तेरी मजाल, कर्जा क्या है तू तेरी मजाल, कि तू मेरे घर में बैठा रहे, तुझे निकाल के फेंकूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसको इसके लिए ताकत दे दिया, अभिषेक दिया। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं डराया उसी को जाता है जो, शैतान भी उसी को डराता है जो डर कर चलता है।
हाय कहीं ये ना हो जाए, हाय कहीं वो ना। मैं कहता हूँ अपने अंदर हिम्मत रखो और परमेश्वर का क्रोध रखो। क्या करो? अपने अंदर हिम्मत रखो, परमेश्वर का क्रोध रखो। क्रोध मतलब नहीं निकलो, ऐसा नहीं हन निकल, बस आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए क्रोध की। लड़ने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, बीमारी निकालने के लिए। जब आप बोलो ना नहीं, तो आपके अंदर वो फील होना चाहिए, निकल अब, निकल जा बिल्कुल। नहीं आप चिल्ला रहे हो नहीं, और इधर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या बोला? निकल, तो मतलब निकल। आपके अंदर भी वो पावर होना चाहिए कि निकलना है अब तुझे। दुष्ट आत्मा की मला मजाल नहीं है कि वो आपके सामने खड़ा रहे, निकल कर भागे। 2022 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप धर्मी हो, आप पवित्र हो, आप चुने हुए, आप ब्लेस्ड हो, आप आशीषित हो। हालेलुया। धर्मी थे नहीं, पर धर्मी बनाए गए हो। हालेलुया। धर्मी बनाए गए हो, डरो मत। इस साल दाऊद को के समान खड़े हो जाओ गोलियत के सामने। 2022 में आने वाली चुनौतियों के लिए, बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए, कमी घटियों के लिए दाऊद के समान खड़े हो जाओ। गोलियत तेरी मजाल नहीं है, तू अपनी ताकत से आता है, लेकिन मैं यीशु के नाम से आऊंगा तेरे सामने। खड़े होंगे ऐसा क्या? Yes. कोई भी परेशानी आए डांटेंगे क्या? हालेलुया। बस देखना आपका काम होना चालू हो जाएगा, काम हो जाएगा। एक दिन दुष्ट आत्मा, बहुत समय की पहले की बात है, दुष्ट आत्मा करे नहीं लाऊंगी मैं, कहा निकल तेरी की, जानता नहीं है तू। हालेलुया। निकलना ही पड़ेगा तुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। तेरी मजाल नहीं है। परमेश्वर के नाम से आप कहीं भी खड़े हो जाओ, जीत आपकी। किसी ने डायलॉग, मतलब कभी पिक्चरों में किसी ने इस प्रकार डायलॉग बोला था कि जहां मैं खड़ा हो जाता हूं वहीं से जीत प्रारंभ होती है। मैं आपको बताऊं कि आप खड़े होते हो, पहले जीत चुके हो आप। हालेलुया। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है 8:37 में, रोमियो 8:37 पद में पढ़िए। हालेलुया। परंतु इन बातों में जिसने मुझसे प्रेम किया है, अर्थात यीशु ने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। जयवंत से बढ़कर मतलब जानते हैं, आपको जीतना उतना नहीं, आप जीते हुए हैं। हालेलुया। 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 अगर पिता जीत कर आया है गोल्ड मेडल, तो बेटा जब उसके सामने चलता है तो पिता तो चल ही रहा है ऐसे ऐसे, पर बेटा भी चल रहा है ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं भी जीता हूँ भाई, मुझे लड़ना नहीं पड़ा है, मैं अपने बाप के नाम से जीत कर आया हूँ। हालेलुया। लोग कहते हैं किसका बेटा है? अरे फलाने का बेटा है, 5 गोल्ड मेडल लाया था, उसका बेटा है। और मेरा बाप तो जीता है, लेकिन मैं तो उससे पहले ही जीत गया हूँ, क्योंकि उसके कारण मैं जयवंत से बढ़कर। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह के कारण मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। जयवंत से बढ़कर हूँ। शैतान को 2000 साल पहले यीशु मसीह ने ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा, अभी भी तड़प रहा है वो। मैं तो पहले ही जीत गया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसको डांटता बाद में हो, पहले निकाल तो पहले ही चुका हूँ मैं, क्योंकि 2000 साल पहले ही निकाल दिया है मेरे बाप ने। अधिकार का इस्तेमाल करके मैं उसको भगा देता हूँ बस। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के परमेश्वर भला है, दयालु है, आपसे प्यार करता है, आपके लिए मार्ग द्वार खोलेगा। 2022 में आपके बंजर भूमि को सींच कर हरा भरा बनाने जा रहा है। हालेलुया। आपके बिजनेस की समस्याएं हैं, पर उसको भी हरा भरा बनाने जा रहा है। आपके परिवार में समस्या है, तो उसको भी हरा भरा बनाने जा रहा है।
आपके शरीर में परेशानी है तो उसको भी हरा भरा बनाने जा रहा है, निकाल के परेशानियां दूर होंगी। खुदावन अपनी महिमा के लिए आपको